हेलो ब्रो, हेलो। अपना कॉलेज पे रेट करो, अपना कॉलेज का स्ट्रीम कर रहा है क्या? एक सेकेंड, लेट मी सी, लेट्स रेड। अगर अपना कॉलेज स्ट्रीम कर रहा तो क्या करेंगे, बट क्या बोलेंगे अपना कॉलेज? हाँ, दे आर स्ट्रीमिंग, दे आर आ लाइव। जाएगा इवेंचुअली उस कैन यू चीज के अंदर। हियर? हम मेहनत करेंगे, हम एक्सप्लोर ओके, लाइव करेंगे क्यूएन सेशन रिगार्डिंग प्लेसमेंट एंड कोडिंग। ऐसे भी हो सकता है। अगर वो एक कंपनी वन में क्या काम कर बोलें रहे हैं क्या तो वो बोलें बहुत सही है, और कहीं वो क्या बोल बोले रहा है रेड कि में मेरे को चैट? कंपनी वन में एक जॉब मिला और वो उतना मान लो लुक्रेटिव नहीं था, कि मतलब किस तरीके का उन्हें कुछ पैकेज होता है। आवाज़ बहुत ये कम है व्यक्ति ना, साल मैंने दो साल फुल यहाँ नहीं पे किया। काम क्या करता है, हार्ड वर्किंग है, बोलें सैलरी चैट? कट जाता है, व्हाट शुड वी उसका से? मतलब एक पैकेज बचता है अराउंड इस कैटेगरी के अंदर व्हाट शुड वी से? इस दौरान, इसके 4 साल ये अपना कर चुका है तो बच्चा नहीं है, व्हाट प्रोफेशनल शुड है। वी से? व्हाट शुड वी से फिर चैट? कुछ उसके आइडिया दो। बाद मान लो हमने कई बच्चे व्हाट देखे शुड हैं वी जो से? सीधा गोल्डमैन सैक्स छोड़ रहे हैं या फिर सीधा अमेजोन के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि तब तक क्या थोड़ा एक्सपीरियंस बिल्ड वेयर हुआ इज माई चुका चार्ट? होता वेयर है इज माई चार्ट? और ये अपनी प्रोफाइल कई ही ज़्यादा लेवल तक स्ट्रॉन्ग कर चुके अभी होते तो हैं। आप तो अगर आप सिर्फ बात इंटरव्यू ही में नहीं कुछ करते, सारे कोई मिल गया। इंटरव्यू अरे थाला मैं बताता हूँ तुझे, रुक मैंने जा। कई सारे लफ्रॉम इंटरव्यू इजी में स्निपर नहीं, इजी मैंने आर्मी, कई थाला सारे रेड, इंटरव्यू थाला में रेड। कुछ लेट्स से सारे इंटरव्यू थाला रेड, में लेट्स से थाला थाला रेड रेड, कई सारे लेट्स से इंटरव्यू थाला में रेड, थाला या लेट्स से थाला रेड चैट, लेट्स से थाला रेड। रेड, ऐसा नहीं है कि मतलब इसको इस तरीके से आप लेट्स देखो किसी ने से थाला रेड। आईआईटी क्लियर कर लिया, अब ऐसा नहीं है कि आईआईटी क्लियर परेशान हो करने के बाद जाएंगे ना, प्लेसमेंट बच्चे का मिल जाएगी। लेट्स से बहुत सारे थाला ऐसे बच्चे रेड, हैं जिनको प्लेसमेंट में मतलब काफी दिक्कत होती है, थाला उनको रेड, कहीं थाला ना कोई रेड, चीज मिल पाती है, वो भी इसलिए क्योंकि बहुत सारा इनफ्लो था कंपनी का। अगर रिसेशन में लेट्स से जॉब नहीं थाला मिली रेड, तो ऐसे के थाला अंदर रेड। सिर्फ को एक एग्जाम क्लियर करने के लिए से या फिर एक बार कंपनी के अंदर घुसने से शी आपका इज लुकिंग सैलरी ए का आपको चैट, शी 40 मिल सकता नोटिस, है, राइट? थाला रेड चैट लिखो ना भर के। हाँ अच्छा, देयर इज वन थिंग जो मैं थोड़ा एडिशनल ही बताना चाह रही थी टॉपिक से हट के, कि कभी कभार मेरी हमारे चैट की दिमाग में टाइपिंग डाउट होता स्पीड है कि इतनी हम स्लो है ना, कंपनी उनसे के लिए थाला रेड नहीं लिखा जा रहा सही है एक चैट के अंदर। स्पेशलिस्ट बने, जैसे हमारे दिमाग में डाउट उनका होता वो है है स्लो मोड है कि क्या? क्या मुझे फिर डीएससी थाला रेड, करनी थाला है, रेड, नाइस कोडिंग नाइस करनी है, नाइस। बहुत अरे सारी चीजें हैं, कि उनके यार बारे में मैं थोड़ा थोड़ा सीख लूँ या किसी एक स्किल में जाके मैं थोड़ा सा डीप डाउन कर लूँ कि डेवलपमेंट ही मैंने पिक कर लिया और पूरा टाइम अब डेवलपमेंट के अंदर ही मेरे को मास्टरी करनी है। तो ही कई बार स्माइलिंग अ हमारे बिट, आई कंफ्यूज थिंक होते हैं कि दोनों में से कौन सी चीज सही ही है। चेकिंग हिज फोन की कौन ऐसे रेड में कर देयर रहा। इज समथिंग कॉल्ड डिफरेंशिएटिंग प्रिंसिपल, ही जो इससे चेकिंग हिज फोन रिगार्डेड की है, कौन रेड कर आपके रहा। डोमेन से रिलेटेड जो आई रिलेटेड डोमेन्स थिंक है उनके बारे में 10% 20% आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए। कीप जैसे स्पैमिंग थाला रेड अगर जब तक आप वो इस कुछ चीज को बोलते नहीं। कीप अपने फील्ड स्पैमिंग में लेके थाला जाना रेड। चाहते हो, हमें ये लिमिट करके नहीं चलना कि एक बार मैंने जावास्क्रिप्ट सीख लिया तो पूरी लाइफ मुझे जावास्क्रिप्ट के साथ ही आई कंटिन्यू थिंक करना वो है, स्माइल एक कंट्रोल बार करने मैंने की सी कोशिश प्लस प्लस कर सीख रहे लिया पूरी हैं। लाइफ मुझे सी प्लस प्लस के साथ ही कंटिन्यू करना है। टेक्नोलॉजी नाइस चेंज होती रहेगी, हमारी डोमेन भी हो सकता है हमारे इंटरेस्ट के साथ, काम के साथ, टाइम के साथ चेंज होती रहे। तो ऐसे में डिफरेंट डोमेन से रिलेटेड 10% 20% नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, हमें आइडिया होना चाहिए डीएसए होता क्या है, डेवलपमेंट चुप होता मत क्या है, करना, कीप मशीन लर्निंग स्पैमिंग थाला होती रेड जब तक क्या वो है। देखे ना। आप स्लो मोड है मतलब 21 सेकंड का। कोई ना थोड़ा कोई ना कोई बहुत ना हर कोई ना डोमेन के बारे में हमें बेसिक आइडिया होना कोई ना, चाहिए, अभी जो अगर आप एकदम से एक फिर से चीज के स्पैम अंदर कर देना आप थाला रेड ना, डीप ऐसे डीप बारे दिखेगा में दिख बेसिक रहा आइडिया दिख रहा। होने में हमें 2 4 दिन ही लगेंगे, एक हफ्ता ही लगेगा, उतना डीप डाइव जाके कोडिंग नहीं करनी उसके अंदर, पर बेसिक आइडिया होना चाहिए। बस और यार, नहीं एक पढ़ना चीज और मुझे, तुम इम्पॉर्टेंट है, थाला रेड ऐसी देखो हमारी जल्दी। डोमेन्स होनी चाहिए जिसके अंदर हमारे पास डेप्थ हो, भाई ये तो पढ़ाती बहुत और है। जनरली एज अ फ्रेशर वो जो होती है हमारे पास 1 से 2 डोमेन्स वो डीएसए एंड डेवलपमेंट होती है। उसके बाद अगर आपके मैं पास पूरा टाइम दिन है तो पढ़ के आया हूँ, मैं तुम्हारे डेफिनेटली चक्कर में ये सब एग्जाम सुन रहा हूँ, मुझे नहीं क्लियर, सुनना मशीन डीएसए लर्निंग डेव, करनी मुझे है, थाला रेड डीएलएम करना दिखाना है, है आपका बस। इंटरेस्ट है तो आप दूसरी स्किल्स के अंदर जाओ। बट एज अ फ्रेशर मेजोरिटी स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस ये रहेगा ये कि देखो, ये एक बार बेशरम डीएलएम इस करा डीएसए लीजिए, यूज, भाई अपने चुप रहे स्किल्स ना, के बाद अंदर में पूछ इम्प्रूव लियो करा क्वेश्चन, लीजिए, थाला भाई रेड कोई करने से सक्सेसफुल पहले। होगा तो किसी भी फील्ड में रहेगा, आई फील लेकिन लाइक इज कंट्रोलिंग वो अपने स्माइल। स्टूडेंट्स को अपनी अपॉर्चुनिटीज मैक्सिमाइज करने पे ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे में आई वुड से कि हमें टी प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हर कीप डोमेन के स्पैमिंग बारे में थाला रेड जान लो डूड, और डोंट उसी स्टॉप, डोंट डोमेन स्टॉप, के अंदर डोंट पूरा स्टॉप, डीप में कीप जाओ। स्पैमिंग थाला अच्छे रेड। से स्पेशलाइजेशन एक तरीके से करनी है, इसको ना स्पेशलाइजेशन की कैटेगरी में डालेंगे ना जनरलिस्ट की कैटेगरी में डालेंगे, दिस इज समथिंग कॉल्ड अ आई वुड स्पेशलिस्ट जनरलिस्ट आई थिंक, जिसकी कुछ डोमेन में स्पेशलाइजेशन भी है एंड कुछ कितने हुए? दस डोमेन में चौदह नहीं हुए है। मेरे मेरे तो पीसी में, उसके मेरे अंदर पीसी की आप घड़ी थोड़ी आ गई है। स्पेशलिस्ट 10-16 तक ट्राई करते हैं, डोमेन अगर थोड़ा सा भी करके नोटिस हो गए कन्विंस तो। खुद को अब लिखो कि थाला रेड, ही इज रीडिंग चैट, अब लिखो थाला रेड, ही इज रीडिंग चैट। रस कब इसके बाद? थाला रेड, ही रेड फॉर श्योर, ही रेड। ई फॉर श्योर रेड, थाला रेड फॉर मेरा श्योर। कोडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जॉब कैसे करूंगा? देखो, नहीं
They won't check me. They won't check. So C++ versus Java already covered in a... Okay, I think they won't recognize. They have like 4.65 million subs, dude. I'm at 1.6. अभी थोड़ा टाइम है, अभी रुकना पड़ेगा गाइस हमें. अभी ऑन स्ट्रीम शॉर्ट आउट लेने से रुकना पड़ेगा. नेक्स्ट टाइम, नो वरीज. दैट वाज अ नाइस वन. एट लीस्ट स्माइल, ही स्माइल्ड एंड वी कॉट हिम रेड हैंडेड. दैट ही नोज अस. नाइस. लेट मी सी योर चैट, एक सेकेंड. इधर जाएगी तुम्हारी चैट एंड ये रही दूसरी चैट. नाइस. हाँ आप बताओ भाई, इजी की जीएफ. अभी तो आप बात ही नहीं करते. मिल गया कोई? अरे मिल गई है, मिल गया है नहीं, मिल गई है. कोई नहीं, मिली है भाई अपने को. जिंदगी मिल गई है हमें, समझ आ गया लाइफ में क्या करने का है. ठीक है, देख लिया, रिएक्ट नहीं किया. ऑब्वियसली कोई ना, नो प्रॉब्लम. और वी शुड लाइक स्पैम ईजी रेड, ईजी स्निपेट, समथिंग लाइक दैट. बहुत कॉमन हो जाए, जिससे बहुत वो हो जाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए. व्हाट डू यू से. अभी 15 मिनट हुए, मेरे को तो 10 मिनट लगेंगे कोडिंग सिखाने में, तो मैं टेंशन मत लो तुम. लेट्स से इजी रेड इंस्टेड. वेरी सी चैट यार, एक तो चैट गायब हो जाती है तुम्हारी. ये से इजी रेड. अब मुझे चैट ही नहीं दिख रही है उनकी यार. अच्छा लोड हो रही है. मेरा इंटरनेट खस्ती है थोड़ा सा. आई कैन रीड चैट नाउ. जस्ट राइट इजी रेड, इजी हो जाएगा थोड़ा. हाँ इजी रेड लिख दो. इजी स्निपेट लिखना. इजी स्निपेट. थाला रेड से ना थोड़ा सा वो हो रहा है कि हाँ आई डोंट नो थाला कौन है, ऐसा उनको कंफर्म हो जाएगी कौन है. किधर है चैट? ये कोडिंग से कोई बिजनेस आइडिया? एक है आज बताता हूँ तुम्हें. हाँ अभी ना बहुत कॉमन हो जाएगा. इजी रेड, परफेक्ट. इजी स्निपेट, इजी रेड, ऐसा कुछ. एक बार आपके पास कंपनी के अंदर काम करने का एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद जब आप सेकंड टाइम किसी और कंपनी में जाके अप्लाई करते हो, तब आपसे डेफिनेटली सिस्टम डिजाइन पूछा जाता है. अच्छा फर्स्ट में नहीं पूछते? मुझे नहीं पता था. आई डोंट थिंक, मेरी तो किस्मत इतनी अच्छी है, मुझे कभी कुछ पूछा ही नहीं इन्होंने. नॉट इन्होंने मतलब कंपनी वालों ने. इजी रेड चैट. Oh, you are not able to see my screen. My bad. Sorry, guys. Internships kitni important? Easy snippet raid or easy raid, whatever you want to write. Isme see. It's 10:18. We'll do it for like 2 minutes and we'll come back to coding. Okay. Easy snippet raid. हमें अपना tech experience होने देते हैं. Screen share. हाँ, my bad. थोड़ा सा delay screen में अभी कर दिया मैंने. Easy snippet raid. ये ना काफी सीनियर है, मैं ऐसा कोई बकचोद ही नहीं कर सकता कि मुझे गाली पड़ जाए. तो इसलिए नॉर्मल, हम थोड़ा नॉर्मल रहेंगे. इजी रेट. ओके का ऑब्वियसली वो होगा अभी स्लो मोड, उसके बाद एकदम से इजी स्निपेट रेट एंड देन डन. विल गेट बैक टू स्टडी. और उन प्रोजेक्ट से रिलेटेड सवाल हम आंसर कर पा रहे हैं. कॉपीड प्रोजेक्ट्स नहीं है, या कॉपी भी करें अगर तो उनसे रिलेटेड सवाल आप कर पा रहे हो आंसर. आपको पता है वो प्रोजेक्ट कैसे बना है, कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है. सेकंड, काफ़ी सारे ओपन सोर्स प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे जी सॉक हो गया. अगर हमें कोई डायरेक्ट कंपनी के अंदर इंटर्नशिप नहीं मिल रही, वी कैन अप्लाई फॉर जी सॉक. वो भी एक तरीका. कॉफी आइकन. उसके अलावा मान लो इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा, तो हम हैकाथॉन्स के अंदर पार्टिसिपेट. कुछ भी नहीं हो रहा, दुकान पे बैठे हो अपनी. Leave it, slow mode is on. हाँ यार, स्लो मोड में बहुत पंगा होता है यार, बहुत मुश्किल होता है. यू राइट. आई थिंक अभी वो खत्म हुआ है ना स्लो मोड, तो लिख सकते हो. एंड देन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी कर ले. अगर हमें डीएसए पसंद है, हमें कोडिंग के सवाल सॉल्व करना पसंद है, वी कैन जस्ट गो फॉर सीपी. वी कैन पार्टिसिपेट इन कॉन्टेस्ट, वी कैन गेट अ गुड रैंक और अ रेटिंग, और उसको हम अपने रिज्यूमे के अंदर डाल सकते हैं. बेसिक लास्ट हमारा जो इंटेंशन होता है, दैट इज टू गेट सम टेक रिलेटेड एक्सपीरियंस इन आवर रिज्यूमे. He won't give us bhao. He won't give us bhao. No problem, guys. No problem. We are us devs, okay? अच्छा 1 minute का slow mode है. Oh, my bad, dude. My bad. Obviously, you won't be able to spam then. No problem. Okay, let's get back. मेरी chat में डाल दो इसी snippet रेड. मैं खुद को rate कर रहा हूँ, okay? खुद को rate कर रहा हूँ. Nice.